थारी ब्लैक शैडो से पहले डर गए हो। हमसे बचकर कहाँ जाओगे? अरे 12 गहनों का बैग, मारे हाथ की अंगूठी, मेरे गले की चेन, अरे मैं लूट गए हो। ये ब्लैक शैडो ने मन्ने लूट लियो। बंदूकड़ी जी भैंस की पूछ, और यो चाचा भतीजा किधर गए? हम यहाँ हैं बंदूकनी जी। रब बावड़ी बूझ, उधर वो ब्लैक शैडो चोर पूरे शहर में लूट पे लूट चोरियों पे चोरियां कर रहा है, और इधर तुम लोगों को पिरामिड पिरामिड खेलने की पड़ी है। चिंता मत कीजिए बंदूकनी जी, अभी चलते हैं। जल्दी चल ढोलकी। हाँ जी जी। बंदूकनी जी, पहले रोशनी करके चोर को तो देख लीजिए। रब बहादुर, टॉर्च दिखा। ओए चाचे, तू क्या कर रहा था? पिट रहा था बंदूकनी जी। ओए चोर तो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, लेकिन आप सब ने मुझे पकड़ लिया। बंदूकनी जी, अब चोरों को पकड़ने के लिए कुछ और ही प्लान बनाना पड़ेगा। भतीजे, बहुत सही समय पर आए हो तुम। मैं बहुत सालों से बैट्स के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। ओए खोजी सिंह जी, हम यहाँ ब्लैक शैडो चोरों को पकड़ने का प्लान बनाने आए हैं, और आपको क्रिकेट बैट की पड़ी है। ओए चाचे, मैं क्रिकेट बैट की नहीं, बैट यानी चमगादड़ की बात कर रहा हूँ। मैंने चमगादड़ों पे रिसर्च करके ऐसी दवा बनाई है जिसे पीने के बाद इंसान में बैट्स की पावर आ जाती है, और उसे रात के अंधेरे में भी दिखाई देने लगता है। और ये तो बड़ी कमाल की बात है, इब चोरों को पकड़ना आसान हो जाएगा। ओ जी, काम आसान हो या मुश्किल, फंटूश नगर की सुरक्षा के लिए चाचा भतीजा हमेशा तैयार रहते हैं बंदूकनी जी। ओए चाचे, तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? अभी उस दवा के और कई टेस्ट बाकी थे, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। खोजी सिंह जी, और मुझे सचमुच अंधेरे में भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। मेरी बैग। ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं दवा पीकर सचमुच चमगादड़ तो नहीं बन गया?
ब्लैक शैडो डंका टोल्की। ओए डंका टोल्की, तुम अब बच नहीं सकते, तुम्हारा भेद खुल चुका है। भूत, भूत, भूत। ओए मैं भूत नहीं हूँ, मैं चाचा हूँ, चाचा। ओए जीजे, हम तो बेकार में ही चाचा को भूत समझ के डर गए। चाचा अकेला है, मौका अच्छा है, चलो दो दो हाथ कर लेते हैं। ओए दो दो हाथ छोड़, वरना चार चार लाते पड़ेंगी। वो देख सामने, बंदूक नहीं आ रही है। ओए लाइट बंद करो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओए भतीजे, ओ यो चाचे को क्यों हो गया? लगता है चमगादड़ बनने से रोशनी में दिखाई नहीं देता। जीजे, ये चाचा भतीजे की वजह से तो अपना काम धाम बिल्कुल मंदा हो गया। हम जहाँ भी चोरी करने के लिए जाते हैं, चाचा भतीजा वहीं पहुँच जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? जो करेंगे डंके की चोट पे करेंगे। मेरा नाम भी डंका है, डंका। अभी चाचा भतीजे को चैलेंज देकर धूल न चटाई तो मुझे चोरी के बिजनेस का वास्ता, चोरी करना छोड़ दूंगा। ओए चाचा भतीजा, हम लोग आज रात डॉकयार्ड पे एक कंसाइनमेंट लूटने वाले हैं। हिम्मत है तो उसको बचा कर दिखाओ। ये लूटेगा? ओए डंका टोलकी की इतनी हिम्मत? भतीजे, इब के आइडिया से? आइडिया तो है बंदूक निजी, बस अपनी रिवॉल्वर दीजिए। ओये अरे मेरी हैट। ओए भतीजे, आज पहली बार तेरी कोशिश अधूरी रह गई, लेकिन अब समुद्र में डूबने से कैसे बचेंगे? अरे चाचू, आप हो साथ तो डरने की क्या बात, आप अपने पंख फैलाओ और उड़ जाओ। कोशिश कीजिए चाचू, कोशिश कीजिए, आप उड़ सकते हैं, और कोशिश कीजिए। ओए ओए वाह, रात के अंधेरे में सब कुछ क्लियर दिख रहा है। पकड़ो इनको। ओए डंका टोलकी, क्या हुआ? बड़े आए हमें पकड़ने वाले। डंका और ढोलकी, ऊपर जाकर गैलेक्सी के स्टार्स बन चुराना। ओए भतीजे, ये क्या हो गया? मेरे पंख गायब हो गए और अब तो मुझे कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि दवा का असर खत्म हो गया है और आप नॉर्मल हो गए। लेकिन इतने उदास क्यों हो रहे हैं? ये तो खुशी की बात है ना? जिसके नसीब में जितना लिखा है उसको उतना ही मिलेगा। हाथ ऊपर कर लो दोस्तों। ओए अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले।
से पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।